नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 12th ऑफ अक्टूबर को यानी कि मंडे को हमें कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है RBL बैंक। RBL बैंक के बारे में हम बात करेंगे, और इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को एनालिसिस बताऊं तो यहां पर आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि अभी एक चैनल के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। ये चैनल के अंदर काम कर रहा है, उसके चैनल का जो डिमांड जोन है इसे हम कहते हैं डिमांड जोन, ठीक है। इस डिमांड जोन से एक बाइंग आई है, बाइंग आने के बाद अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो ये देख सकते हैं एक वी शेप रिकवरी आई यहाँ पर, उसके बाद हॉल्ट कर रहा है और अब इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बारे में ये तैयार हो गया है। तो अबव 181 के ऊपर हम लोग बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं मंडे के लिए, और जो हमारे टारगेट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे टारगेट्स होंगे, ये देख रहे हैं, ये हमारे टारगेट होंगे जिसका लेवल निकल के आ रहा है 186 का। तो हम लोग 181 के ऊपर बाय करेंगे, हमारा टारगेट होगा 185 से लेके 186 तक का, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, जिसका नाम है IOC। या तो IOC पे भी आप लोग यहां देख सकते हैं एक शार्प फॉल आई, ठीक है। इधर से नहीं दिखाता मैं आपको, और यहाँ से दिखाता हूँ, इधर से देखिए एक शार्प फॉल आई, एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक शार्प फॉल आई, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक शार्प फॉल आई, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा है कि जो हाईज हैं वो ब्रेक नहीं हो रहे, बट जो लोज हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। अभी तक मतलब लोअर लोस, लोअर लो और लोअर हाई चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब अब क्या हो रहा है कि हायर लो बन रहे हैं, मतलब अब लो ऊपर की सिर्फ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये लो बना, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, और अब ऊपर जा रहा है, और अब जो प्रीवियस इसके हाइस थे उसको ब्रेक करके क्लोज कर चुका है ये 76 तक, 76.5 पे क्लोज कर चुका है। तो अब यहाँ पर सिनेरियो चेंज होने लग गया है IOC के अंदर। पहले लोअर लोज लोअर हाइज बनते थे, अब इस लेवल से हायर हाइज हायर लोज बनना शुरू हुए हैं। तो हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं, अगर हमें 0.50 का भी पैसे का भी अगर डिप मिलता है तो भी हम लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो अराउंड 78 से लेके 80 के अंदर अंदर का होगा, जो कि ये लेवल होगा, क्योंकि बीच में कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो जो भी लेवल्स होंगे, किस लेवल पे बाय करना है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। उसका लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर रखा है, वहां पर आप जाके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है LT। या तो LT को भी बाय करने की सलाह दी जाएगी। ये जो ये हमने चार्ट पैटर्न्स बनाए रखे, इस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, प्रीवियसली बने हुए हैं। अब आपको देखना क्या है यहाँ पे, अब इधर देखिएगा कि ये कंटिन्यूस शार्प फॉल आई है, किस लेवल से, 1025 से लेके 843 तक, ठीक है। एक शार्प फॉल आई, एक रिकवरी आई, फिर एक शार्प फॉल आई, ठीक है, मतलब सॉरी एक रिकवरी आई, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, जो यहाँ पर बार बार प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती थी, इधर देखिए इधर कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया प्रीवियस लो को ब्रेक, अब यहाँ पर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, ऊपर शिफ्ट हो गए लोस, और ये जो इसका प्रीवियस हाई है इसको भी ये क्रॉस करने वाला है, ठीक है। और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, जो कि इसका लेवल आ रहा है क्रॉस का 913 का, जैसे ही 913 को क्रॉस करेगा एक अच्छी बाइंग इनिशिएट हो सकती है, जो 930 तक के लेवल्स तक भी लेकर जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली एक चीज़ और है, ये टॉप था, ये बॉटम था, हमने एक फिबोनाची ड्रॉ करा तो हमें पता चला कि बार बार ये 0.382% रिट्रेसमेंट लेवल पे, अगर मैं से कहूँ 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे हॉल्ट कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, और ये लेवल क्या है 912.75 का। तो जैसी ये लाइन ब्रेक होगी ऊपर की तरफ, तो ये इस लाइन की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, जो कि लेवल आ रहा है 3934 का, ठीक है। तो ये हमारा फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बाय बना सकते हैं अबव
913 के, और हमारे जो टारगेट्स होंगे वो हाई लेवल्स पे ही होंगे, जो कि आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में बाय करने की सलाह दूंगा, ये एक बुलिश गाटले पैटर्न है, ठीक है। इस बुलिश गाटले पैटर्न का यहाँ से एक रिवर्सल आया, रिवर्सल आने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर रहा है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। अगर मैं इस पैटर्न को हटाता हूँ, अब यहाँ देख सकते हैं एक शार्प फॉल आई, एक ऊपर गया, फिर एक शार्प फॉल आई, प्रीवियस लो को ब्रेक कर चुका, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, अपने प्रीवियस लो को यहाँ पर इसने ब्रेक नहीं करा, ठीक है। और अब फिर ऊपर चला गया और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब जो 54 रुपीस से जो ये 40 रुपीस तक गिरा, उसके बाद जब ये लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, अब क्या कर रहा है, अब ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है और हायर हाइज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब कोई भी डिप मिलती है अराउंड 43 के आसपास की, तो इस पर आप एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ सपोर्ट मिल सकता है और फिर एक हायर हाइज की कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो इन स्टॉक्स को भी आप लोग वॉच करके चल सकते हैं, ये भी मंडे के लिए एक ट्रेड बन सकता है। लास्ट स्टॉक आता है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पे जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक अपमूव आई, हॉल्ट करा और अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे चुका है अराउंड 92 के लेवल पे और 92.35 पे क्लोज करा है। तो कल अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है, और इसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 95 से लेके 96 के बीच में निकल के आ रहे हैं, जो कि ये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि बीच में कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये भी हम लोग कल एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं मंडे के टाइम पे। अब हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो उस पर तो अभी मुझे कुछ भी ठीक से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इसलिए मैं अब क्या चाह रहा हूं, मैं हम लोग एक बार मंथली चार्ट में चलते हैं, ठीक है। मंथली चार्ट में आते हैं क्योंकि डेली चार्ट पे तो ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट दे रहा है, गैप अप पे गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो अभी हम यहाँ पर ट्रेड करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं और अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये हमें बता रही है कि ये पर्टिकुलर इस लेवल तक पहुँचना चाहिए या फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अराउंड 1240 के आसपास से लेके 12040 से लेके 12100 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक निफ्टी प्रोबेबली जा सकता है जिस तरीके से हम गैप अप पे गैप अप देख रहे हैं। और अगर मैं निफ्टी पे बताऊँ तो ज़्यादा निफ्टी पे ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा मोमेंटम आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कवर कर चुका अपने प्रीवियस हाई से। अगर मैं यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ हाई और लो को लेके, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये अपनी गिरावट का 88% तक कवर कर चुका है, ऑलमोस्ट 90% ये जो भी इसकी फॉल थी उसको रिकवर कर चुका है। बट अगर मैं सेम बात करूं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो बैंक निफ्टी को चेक करते हैं, मंथली चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। एक सेकेंड में ये सारी ड्रॉइंग्स हटा देता हूँ। या अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो बैंक निफ्टी अभी तक मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो मुश्किल से 50% की भी कवर नहीं करी होगी इसने, ठीक है। अगर मैं इसका फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश भी करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टॉप है और ये हमारा बॉटम, ठीक है। ऑलमोस्ट ये अभी तक 50% को भी क्रॉस नहीं कर पाया है, ये लाइन को भी क्रॉस नहीं कर पाया है, और निफ्टी 90% रिकवर कर चुका है, बट बैंक निफ्टी अभी तक 45% ही रिकवर करा है अपने हाई तक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी बहुत ज़्यादा वीक है और ये चला ही नहीं है। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊं, ये अभी किस तरीके का पैटर्न बना रहा है, ये अभी आप देख रहे हैं, ये तीन कैंडल्स को देख रहे हैं, एक कैंडल ये बनी स्ट्रांग, फिर एक पूरी रेड बनी, ठीक है, और अब दोबारा एक ग्रीन बन गई है। तो जैसी इस लेवल के ऊपर निकलेगा, जैसी इस लेवल के ऊपर निकल भी चुका है, हाँ गाइस ये निकल चुका है, इसका जो लेवल निकल के आ रहा था 23,700 का लेवल था, इसके ऊपर ये निकल चुका है। अगर ये मंथ का एंड होता और अगर यहाँ पर इसकी क्लोजिंग मिल रही होती अबव 23,700, तो हम लोग बाय इनिशिएट कर देते परफेक्टली और इसके टारगेट्स बहुत ऊपर होते हैं। बट अगर अभी भी ये ऊपर जा चुका है तो हम लोग बैंक निफ्टी में बाय बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 24,350, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, ऑलमोस्ट यहाँ तक तो ये जाएगा, ठीक है।
तो बैंक निफ्टी हमारे लिए बाय है, बट निफ्टी हमारे लिए बाय नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ चुका है, उस पर ज़्यादा ज़्यादा मोमेंटम चेस करने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, और 12,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ पर ट्रेड लेने में थोड़ा सा रिस्क है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे। मैं शिवांश भसीन, साइनिंग ऑफ।